हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5, लॉज ऑफ मोशन. इन विच इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर थ्योरेटिकल पार्ट, दैट इज चैप्टर एनसीईआरटी पीडीएफ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व इट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज. सो बेटा, इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो कि हमारा डिलीटेड ऑप्शन में से है, लाइक आपके न्यूटन के लॉ है और आपका गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन था, आपका मोमेंटम था. इन सब चीज़ों की बात हम इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस बेसिकली हम नहीं करेंगे. अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बिल्कुल अननोन रहेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए थोड़े नए होंगे. तो बेटा, हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5.10 की बात करते हैं. पढ़िए क्वेश्चन को, क्या दिया है. अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 m/s टू द नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 8 N डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 seconds. इट मीन्स, तो एक बॉडी है बेटा जिसका मास आपको 0.4 kg गिवन है, उसकी जो स्पीड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. कितना स्पीड दिया हुआ है? 10 m/s. और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा 8 N. वो फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई हो रहा है? 30 seconds तक का. और फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? टुवर्ड्स साउथ. आपको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स में इसके मैग्नीट्यूड के साथ में इसकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी. तो 8 N फोर्स डायरेक्टेड हो रहा है हमारा साउथ की तरफ. टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी एट t = 0. हमने t = 0 पर इनिशियली फोर्स अप्लाई किया है. द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x = 0. तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमारा पोजिशन भी 0 है और टाइम भी 0 है. प्रिडिक्ट इट्स पोजिशन एट t = -5 seconds, 25 seconds एंड 100 seconds. तो हमें अलग अलग टाइम के ऊपर बेटा इसकी पोजिशंस की बात बताई हुई है. तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, m = 0.4 kg दिया हुआ है, u = 10 m/s है. और फोर्स अगर हमने 0.4 kg को अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड में हमारा टुवर्ड साउथ कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा. तो फोर्स हमारा कितना होगा? -8 N. तो अगर हम फोर्स = m×a करके एक्सीलरेशन यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं. मॉर्निंग मैम. तो हम एक्सेलरेशन देखेंगे. a = f/m, इट विल गिव टू -20 m/s². तो अब हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है. बेटा, आप सेकंड जो इक्वेशन थी मोशन की, उसमें आपने देखा था क्या इक्वेशन होती है? तो मोशन की सेकंड इक्वेशन से हमें पता है बेटा क्या होती है, s = ut + ½ at². अब हमें सबसे पहले पोजीशन निकालनी है -5 सेकंड पे. इट मीन्स कि t हमें दिया है, a हमने फाइंड आउट कर लिया है, u इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है. तो कैन वी फाइंड आउट द पोजीशन? यस. तो यू कैन फाइंड आउट s = 10 × -5 + 1/2 0 × -5² ये हमारा क्या आ गया बेटा, पोजीशन आ गई -5 सेकंड पे. इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन एट t = 25 सेकंड. 25 पे हमारा एक्सीलरेशन ये होगा और हमारा जो पार्टिकल की पोजीशन है वो आ जाएगी -6 km. 6000 m आएगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है. सेम वे में हम इसमें क्या करेंगे, निकाल लेंगे बेटा पोजीशन एट t = 100 सेकंड. तो इसी तरह से हम इसमें सारा क्वेश्चन कर लेंगे. अब हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5.12. तो क्या है आपका अगला क्वेश्चन? द बो ऑफ ए मास 0.1 kg हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम. एक बोब है जिसका मास है 0.1 kg, उसको आपने एक रूम की सीलिंग से लटकाया हुआ है. जिस स्ट्रिंग से उसको लटकाया है, दैट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग इज बेसिकली 2 m. वो जो स्ट्रिंग है वो आपकी ऑसिलेट कर रही है. अब क्या पूछा है आपसे, द स्पीड ऑफ द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन.
इज 1 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये हमारा कोई भी कॉन्स्टेलेशन होता है, इसमें ये वाली जो पोजीशन होती है सेंटर वाली, ये हमारी मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन के ऊपर स्पीड मैक्सिमम होती है। और यू कैन से अगर हम दोनों एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो मीन पोजीशन के ऊपर किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जस्ट बिकॉज की उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब ये पार्टिकल लेफ्ट और राइट में इस तरह से मूव करता रहता है, लाइक अ पेंडुलम, आपने अपने घर में या किसी भी जगह पे वॉच देखी होगी, वो अपना लेफ्ट राइट मूव करता रहता है, तो जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये जाता है, तो अगर हम इसको और एज ए सेंटर कंसिडर कर ले, ओरिजिन कंसिडर कर ले, ओरिजिनल लाइन, तो यहाँ पर पोजिशन जीरो थी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? MgH। जब हमारा मेन पोजीशन के ऊपर है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। बेटा जो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में जो ये वाले पॉइंट्स कहलाते हैं, इनको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होती है और पार्टिकल का जो पोजीशन है वो, यहाँ से देखो ओरिजिन जहाँ हमने माना था ये वाला पॉइंट, इस डिस्टेंस से कुछ हाइट के ऊपर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? ये हमारा कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एच आ गया तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी लाई करेगी और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसीलिए पार्टिकल एक बार जीरो के बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ट्रेस करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से हमारा पार्टिकल मूव करता रहता है। अब आपको क्या दिया है बेटा, ये मैंने आपको बेसिकली सबसे पहले आपको बोब क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, उसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं बेटा, द स्पीड ऑफ द बोब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी दी है? 1 मीटर पर सेकेंड दी है। देन व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बोब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बोब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। या तो बोब इसके एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है और बी पार्ट है जब बोब इसकी मीन पोजीशन के ऊपर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन मैंने आपको बताया बी वाली होगी, मीन पोजीशन ए वाली होगी। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आप उसकी बोब को नीचे थ्रो करते हो, कट करते हो, तो हमारा पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से वर्टिकल डाउनवर्ड में नीचे आ जाएगा। उसके ऊपर ग्रेविटी क्या लगेगी? एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, फोर्स इक्वल टू वेट लगेगा और वो फिर पार्टिकल हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। तो पहला केस क्या हो जाएगा, व्हेन द बोब इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो, तो पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। अब सेकंड केस था जब मीन पे होता है, जब मीन पे है तो उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई वेलोसिटी उसके अंदर लाई कर रही है, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है बेटा कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ऑन कटिंग द स्ट्रिंग इट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही, वेलोसिटी उसकी दी हुई है। अब हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल हमारा इस केस में इस तरह से ये इधर भेजेगा और हमारे पार्टिकल की एक्सेलरेशन इधर लगेगा, पार्टिकल कुछ इस तरह से नीचे आएगा, जिस तरह से मेरा कर्व जा रहा है, मतलब कि पैराबोला के टर्म में नीचे आएगा। तो हमारे पार्टिकल का पाथ क्या हो जाएगा बेटा? पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पार्टिकल को जब एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के ऊपर है और उसकी स्ट्रिंग को सीलिंग से सेपरेट करते, तो उस केस में हमारा पार्टिकल किस तरह का पाथ ट्रेस करता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा 5.13। क्या है? अ मैन ऑफ मास 70 केजी स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। एक मैन है जिसका वेट है 70 केजी, एक वेइंग मशीन है लिफ्ट के अंदर, विच इज मूविंग। वो वेइंग मशीन लिफ्ट कहाँ जा रही है? अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमारी जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट केस दिए हुए हैं, इनके अंदर हमें क्या बताना है बेटा? व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस। तो वेइंग मशीन है उसके अंदर आपको कितना वेट नजर आएगा?
तो वेइंग मशीन ईच केस में हमारे नॉर्मल रिएक्शन आर दिखाएगी जो कि उसका अपेरेंट वेट होगा। तो जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब कि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसका जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। अब पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी वैसे नीचे डायरेक्शन में वेट तो लगेगा ही, तो यहाँ पर जो आर होगा वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, आर विल बी इक्वल टू एम इन टू जी, दैट इज 70 × 10, दैट मीन्स 700 न्यूटन। अब हम आगे बात करते हैं, व्हेन अ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाती है एक्सेलरेशन है 5। तो जब डाउनवर्ड जाएगी तो हमारी बेटा उसके ऊपर क्या लगेगा, हमारी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड इसको दिया हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो हमारा इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, एम इन टू ए, तो नेट एक्सेलरेशन इज हेयर जी माइनस ए, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, एम इन टू जी माइनस ए, इट मीन्स 70 × 10−5, इट मीन्स 10, तो 70 × 5 दैट इज 350 न्यूटन। नेक्स्ट केस है आपका, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है विद द सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस केस में हमारा ये केस ऑपोजिट हो जाएगा, जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, जी प्लस ए, तो वो कितना हो जाएगा 1050 न्यूटन आ जाएगा। अब हमारा आता है बेटा नेक्स्ट केस, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द मैकेनिज्म फेल्ड, मतलब लिफ्ट हमारी ब्रेक हो जाती है, इट हर्टल डाउनली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो उस केस में हमारा जो बॉडी का एक्सेलरेशन है लिफ्ट का और जो ग्रेविटी है वो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा। उस केस में तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो नेट एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगी, बॉडी हमारी फ्री फॉल अंडर आएगी, तो हमारी बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे, इससे आगे बेटा हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 15। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली कैप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ टाई स्ट्रिंग, एक 10 kg है एक 20 kg है, उनको हमने टाई किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे पहले भी, एक ओरिजेंटल फोर्स है 600 न्यूटन का जो कि आपने ए के ऊपर अप्लाई किया फिर हमने बी के ऊपर अप्लाई किया, तो अलग अलग केस हैं, और डायरेक्शन क्या स्ट्रिंग के अलोंग ही है। तो हमसे पूछा है कि जो स्ट्रिंग के अंदर ये फोर्स अप्लाई करने पे जो टेंशन हो जाएगी वो टेंशन दोनों केस में कितनी होगी। तो देखो फर्स्ट केस है जब हम ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ए हमारा लेफ्ट में है तो लेफ्ट में फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज 600 न्यूटन, ये 10 kg या 20 kg दोनों को स्ट्रिंग से बांध दिया है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फोर्स है 600, तो एफ इक्वल टू एम इन टू ए, ए कितना हो जाएगा 10 + 20, इट मीन्स 30 kg, तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है दैट विल गिव अस 600/30, इट मीन्स 20 m/s स्क्वायर। अब हमसे टेंशन पूछी है बेटा, तो टेंशन के लिए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 kg का जो मास है वो हमारा इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन हमें 20 m/s स्क्वायर पता चल गया है, उतना ही हमारा इधर टेंशन अप्लाई होगा। तो अब क्या बोलोगे, अगर 600 की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखते हैं तो 600 तो पॉजिटिव आएगा, टी उसके ऑपोजिट में है, इट मीन्स कि 600 − t, और एक्सेलरेशन हमारा 600 की डायरेक्शन में, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल टू 10 kg है उसके ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है 20, तो 10 × 20, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 400 न्यूटन। इन द सिमिलर वे जब हमारा बी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है सेकंड पार्ट, तो इधर जाएगा एक्सेलरेशन हमारा वही सेम आएगा, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारा जो फोर्स है वो बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इधर टेंशन टी लगेगी, तो हमारा नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 600 − t, और ये वाला वेट कितना है 20, और हमारा ए कितना है 20, तो इज इक्वल टू 20 × 20, तो अब हमारा जो टेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 200 न्यूटन आएगा। तो आई होप आपको दोनों ही चीज़ें जब हमने यहाँ पे टेंशन निकाली स्ट्रिंग के अंदर तो आपको समझ आया। तो बेटा इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स दिए हुए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी हुई होंगी, उन कंडीशंस को देखते हुए हमें क्या करना होगा, उनके अंदर नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमने टेंशन देखी, आई होप आपको क्लियर हुआ, आज हम इतना ही करते हैं, इससे आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, गुड ब्लेस यू।